हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आप डेल लैपटॉप यूज कर रहे हैं और उसके अंदर आपका जो कीबोर्ड है, इसके जो बैकएंड की जो बैकग्राउंड में जो लाइट होती है वो नहीं आ रही है, वो आपको कैसे लेके आना है और उसके लिए आपको कौन सी सेटिंग्स करना है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हर टाइप का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आपका कीबोर्ड है यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड है यहाँ पर उसके बैकग्राउंड में लाइट नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको एक साइन ढूंढना है आपके लैपटॉप के अंदर। आपको इस टाइप का एक साइन मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर ये लाइटिंग का साइन मिलेगा ऐसा। ठीक है, आप यहाँ पर आपका किसी भी की के ऊपर हो सकता है, जैसे कि मेरा यहाँ पर F10 के ऊपर है तो आपका हो सकता है आपका F7 के ऊपर हो, F8 के ऊपर हो, या फिर आपका नीचे की तरफ ये लेफ्ट राइट और अप डाउन वाले बटन के ऊपर भी आपका वो ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर ही आपको ये ऑप्शन फाइंड करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एक F10 करके की मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर जो ये आपका F10 है, यहाँ पर जो ये लाइट है, यहाँ पर भी आपको उसको एक बार प्रेस कर देना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पावर है इसका ऑन हो गया है। इसको एक बार इसका कम कर देता हूँ पीसी का। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये यहाँ पर पावर आ रहा था कीबोर्ड के पीछे, जो बैकग्राउंड में लाइट नहीं आ रहा था वो अभी आ गया है। तो कई बार क्या होता है, जो F10 की और साथ में दोनों बटन प्रेस करने से आपका ये आ जाता लाइट, बट कई बार क्या होता है, जो आपका ये जो ये है ऑप्शन, सिंगल प्रेस से भी आपका ये काम चल जाएगा। अगर जैसे आपको सिंगल प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए ये लाइट चली गई, और सिंगल वापस से प्रेस किया तो ये लाइट आ गई। ठीक है, ये ऐसे सिंगल प्रेस लाइट ऑफ, सिंगल प्रेस लाइट ऑन। ठीक है, अगर आपका इससे भी आपका लाइट नहीं आ रहा है आपका सिस्टम का, तो आप क्या करोगे, इसको एक बार मैं क्या करता हूँ, ऑन कर लेता हूँ, और इसको आपको क्या करना है, शट डाउन कर देना है एक बार को। यहाँ पर इसके हम लोग बायोस के अंदर जाएंगे, आपका जो लैपटॉप है शट डाउन करके रख लीजिए। मैं इसको अभी ऑफ है, ये ऑफ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने इसको ऑफ कर दिया है लैपटॉप को। आपको क्या करना है, इसके बायोस में जाना है। बायोस में जाने के लिए आपको F2, F7, F8 या फिर F12 दबाना पड़ता है। हो सकता है आपका किसी भी ये की काम कर जाए बायोस में जाने के लिए। आपको चेक करना है कि जो आपका लैपटॉप है वो कौन सी की प्रेस करने से बायोस के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर F2 प्रेस करने से बायोस के अंदर जाता है, तो मैं इसके लिए F2 प्रेस करूंगा। सबसे पहले क्या करना है, पावर और उसके बाद F2। F2 आपको जल्दी जल्दी टाइप कर, जल्दी जल्दी प्रेस करना है, ताकि जो आपका सिस्टम है, लैपटॉप है, वो आपका बायोस के अंदर जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये बायोस ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आना है। आपके इस लैपटॉप के अंदर भी आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा। अगर सेम HDs आपको आपके सिस्टम की बायोस के अंदर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको सर्च करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको। यहाँ पर कीबोर्ड एलिमिनेशन करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, डिसेबल्ड, डिम और ब्राइट। ठीक है, यहाँ पर डिसेबल का मतलब है कि आपका जो कीबोर्ड है वो बंद, जो उसकी लाइटिंग है वो ऑफ रहेगी। डिम का मतलब थोड़ा डिम रहेगी, ब्राइट का मतलब ज्यादा रहेगी ऐसा। तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, यहाँ पर इनेबल द कीबोर्ड एलिमिनेशन फीचर 200% ब्राइटनेस लेवल। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर ये ब्राइट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आपको डिम वाला सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिम मीडियम में रखूंगा। अगर इससे भी आपका काम नहीं चल रहा है कि डिम करने के बाद लाइट नहीं आ रहा है, तो आप एक बार ब्राइट भी करके देख लीजिए। फिलहाल के लिए मैं डिम कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके आपको ओके कर देना है। ठीक है, और इसको एक बार बंद कर देंगे। यहां पर ये सेटिंग सेव हो गया है, और यहां पर आप देख पाओगे कि रिस्टार्ट के बाद आपका जो
सेटिंग से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर कीबोर्ड की जो लाइटिंग है वो आ गई है, ठीक है, वो अपने आप भी दिख रही है आप यहां पर देख पाओगे। थोड़ा डल सा लग रहा होगा आपको, आप ज्यादा ब्राइट के लिए करोगे तो आप वहां पर वो जो मैंने बायोस के अंदर बताया था आपको ऑप्शन, वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पर देखिए, यहां पर इसको ऑन ऑफ कर पाओगे आप, ठीक है। अगर आपका सिंगल प्रेस से काम नहीं हो रहा है तो आप यहां पर Fn और साथ में F10 जो भी आपका कीबोर्ड के ऊपर ये ऐसा साइन है आप उसको प्रेस कर दीजिए, तो आपका यहां पर ये लाइटिंग आना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपके कीबोर्ड के ऊपर लाइट नहीं आ रहा है, लैपटॉप के ऊपर, डेल लैपटॉप यूज कर रहे हैं आप और उसके ऊपर आपका लाइट नहीं आ रहा है, तो वो आपको कैसे लेके आना है और उसके लिए आपको क्या सेटिंग्स करना है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा है लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू सो मच।